एक और हॉस्पिटल में बहुत और जिंदगी के दरमियान झूल रहे। अभी मैं बताने जा रहा हूँ ना, उसको सुनने के बाद आप यही बोलोगे कि मैंने जो कुछ किया ठीक किया। साफ साफ बताओ ना, ऐसी उलट पुलट बातें क्यों कर रहे हो तुम? वो मुसलमान हो गई। What? क्या करने आया था यहाँ? वो अब अपने पैरों पे कभी नहीं चल सकेगा। He is now paralyzed. हेलो पायल, यार कब से फोन कर रही हूँ, इसे मौके पे तो फोन उठा लिया करो। मैं निदा, मैं बिजी थी इसलिए नहीं उठा रही थी। भाई के पास नहीं हो? नहीं, मैं हॉस्पिटल से बाहर हूँ। तुम्हारी आवाज को क्या हुआ है भाई? कुछ नहीं, मेरी आवाज ठीक है। भाई ठीक तो है ना, होश में तो है ना? हाँ होश में। यार पायल मेरी स्काइप पे भाई से बात करवा दोगे? जैसे ही कन्वीनियंट होगा मैं करा दूंगी, अभी वो आईसीयू में। और कितने दिन रहेंगे वो हॉस्पिटल में? मैं बाद में कॉल करूं, मैं थोड़ा बिजी हूँ। भाई सब ठीक है ना? करके भर दे इश्क के सारे खेल निराले। भर भर दर्द भंडारे सात समंदर रुलावे इश्क है। बेबी प्लीज काम डाउन, कंट्रोल योरसेल्फ। मॉम अली और मजदूर ये कैसे हो गया? बेबी जिंदा है, तुम्हें पहचानता है, बी हैप्पी। वरना जिस किस्म का उसे एक्सीडेंट हुआ ना, आई थॉट ही वुडंट सर्वाइव। यू न्यू इट कि वो मजदूर हो जाएगा। मुझे तो ये भी नहीं पता था कि वो जिंदा रहेगा कि नहीं। देखो हिज मेमोरी इज इंटैक्ट, ये बहुत बड़ी बात होती है। डोंट बी अपसेट, तुम्हें तो बहुत खुश होना चाहिए। अगर वो मर जाता तो हमको क्या फेस करना पड़ता? हम अभी भी अपना सोच रही है। अली की टांगे चली गई है मॉम, इस जिंदगी से बेहतर था वो जिंदा ना ही रहता। ओके यू रिलैक्स, आओ कम कम कम। इश्क अल्फ की जान निमाए, इश्क अल्फ की जान। तुम पागल हो गई हो? Do you know what you're saying? मुझे मजबूर मत करो कि मैं वो सब करूं जो मैं नहीं करना चाह रही। Do you understand me? अब मैं अली को पाकिस्तान भेजूंगी अकेला व्हील चेयर पे। पायल कहाँ है? बिजी है। तुम्हारा विजिट वीजा एक्सपायर नहीं हुआ क्या? Aren't you here legally now? यानी मुझे फौरन यहाँ से चले जाना चाहिए। नहीं, I'm sure पायल ने इन्फॉर्म कर दिया पाकिस्तानी एम्बेसी को तुम्हारे एक्सीडेंट के बारे में। आप लोगों को बहुत तकलीफ दी है मैंने। बेहोश आदमी क्या तकलीफ दे सकता है। वैसे आई एम वेरी सॉरी टू हियर अबाउट योर मदर। क्या हुआ मम्मी को? कुछ नहीं, वो उनकी तबीयत ठीक नहीं थी, हॉस्पिटल गई थी। अब कैसी है मम्मी, मुझे बताएं कहाँ है? आई डोंट हैव एनी डिटेल्स, पता नहीं, वो पायल को पता होगा। आई एम श्योर शी इज फाइन। मेरा फोन कहाँ है? मेरा फोन। अली तुम्हारा बहुत बुरा एक्सीडेंट हुआ है, यू जस्ट रिलैक्स। अभी चाहिए हो तो अम्मी को फोन करना है मुझे।
मुझे अम्मी से बात। अम्मी। Just forget everything when you go back to Pakistan, सब ठीक हो जाएगा। फोन चाहिए, फोन। Just wait, हाँ, wait. को होश आ गया अली को जी, इतला तो यही है। क्या मतलब इतला यही है, क्या बात हुई? पता नहीं, कुछ कुछ गड़बड़ लग रही है। क्या गड़बड़ हो गई? सब ठीक होगा, माही तो आदत है परेशान होने की। नहीं, मेरी पायल से बात हुई तो ऐसा लग रहा था कि उसे इस खबर में कोई दिलचस्पी नहीं है। चलो अल्लाह बेहतर करेगा, सब ठीक हो जाएगा। आंटी हैं अंदर? ये अम्मी अंदर हैं, लेकिन बेहतर होगा अगर आप मुझसे ना मिलें। क्यों? एक दो बातों के सिवा ना वो कुछ सुनती हैं ना कुछ कहती हैं। अच्छा चलो ठीक है, कल तुम्हें ऑफिस जाना पड़ेगा ट्रैवल एजेंसी। क्यों? वो अली का एक पार्टनर था 25% का, वो छोड़ना चाह रहा है और दो तीन लड़के भी रिजाइन कर गए। ऑफिस से फोन आया था। इसका मतलब है किसी को मुस्तकिल वहाँ बैठना होगा। हाँ सारी बात है, कारोबार तो बैठ के ही होता। खैर मैं कल आ जाऊंगा, 2 बजे तक तो ऑफिस ले जाऊंगा तुम्हें। नहीं आपको ज़हमत करने की जरूरत नहीं है, मैं कर लूंगी। क्या जरूरत थी उसकी माँ को बताने की? सॉरी गलती हो गई, जस्ट स्लिप्ड आउट। स्लिप्ड आउट? या इट वाज इंटेंशनली? व्हाट डू यू मीन, क्या मतलब तुम्हारा? मामा उसकी सिचुएशन ऐसी है कि उसकी सब जिम्मेदारी हम पे आती है, राइट? तो यू कॉल हिज मदर एंड सिस्टर और बोल दो कि आके हमें गोली मार दे, ठीक है? वो क्या गोली मारेंगे, वो तो खुद मर गए। देखो स्टॉप दिस रेंटिंग एंड रेविंग, अली होश में आ गया, नाउ लेट हिम गो बैक टू पाकिस्तान। कैसे? जब वो यहाँ आया था तो अपने पैरों पे चल कर आया था, अब वो अपने पैरों पे चल के ना जा सका तो? पायल, वो अब कभी भी अपनी जिंदगी में अपने पैरों पे नहीं चल सकेगा। ठीक है तो फिर मैं उसके साथ रहूँगी, उसकी टांगे बन के। तुम पागल हो गई हो? Do you know what you're saying? मुझे मजबूर मत करो कि मैं वो सब करूँ जो मैं नहीं करना चाह रही। Do you understand me? मैं अली को पाकिस्तान भेजूंगी अकेला व्हीलचेयर पे। यू स्टुपिड गर्ल। हेलो हाँ निदा, मैं तुम्हें हॉस्पिटल पहुंच के फोन करती हूँ। हाँ सब ठीक है, प्लीज वेट फॉर अ व्हाइल। तुम क्या पूछना चाह रहे हो? मम्मी कैसी है, कहाँ आप? ठीक है, वो घर पर है। बस लाइट्स ऑफ पैरालिसिस। कैसे करें अभी सब कुछ? नहीं था सब ठीक है, निदा से मेरी रोज बात होती है, शी इज फाइन।
मेरी बात भी करवा दो प्लीज। कैसे बात कराऊं? They don't allow me to. मुझे बाहर ले जाओ जहां सब बात हो सके। अली, तुम किसी होटल या पार्क में नहीं हो। निधा का भी फोन आ रहा है बार बार, वो भी बात करना चाह रही है तुमसे, लेकिन मैं चाह रही हूँ थोड़ी तुम ठीक हो जाओ। क्या होना बाकी है? जो नुकसान होना था हो चुका है। क्यों आए थे यहाँ पे? तुम्हारे लिए। मेरे लिए इतनी बड़ी कीमत? मोहब्बत की कीमत होती है, और अगर नहीं भी होती तो इस केस में है। You have paid for something which wasn't there. क्या मतलब है भाई? तुम तो मेरे सामने ना होते हुए भी हर वक्त मेरे सामने ही रहते हो। अली, अब ये बातें ना करो। पायल, तुम्हें तुम्हारी अम्मी ने तो बता दिया होगा। क्या? कि मैं मासूर हो चुका हूं। इश्क अलफ की जान निमाए, इश्क अलफ की जान निकले कैसे जान निमाए, इश्क अलिफ की जान वैसे अम्मी आपको खुद भी हिम्मत करनी चाहिए। याद नहीं है नौरीन की अम्मी को कैसा फालिज का अटैक आया था, और फिर एक दिन उन्हें खुद फालिज पर अटैक कर दिया। बड़ी हिम्मत वाली है, अब देखें कैसे चल फिर रही हैं। बल्कि आई थिंक खैर से गीबत भी करना शुरू कर दिया उन्होंने। निदा, असलम साहब को फोन कर। मैं जानती हूँ आप उन्हें क्यों बुला, कोई जरूरत नहीं है ऐसे लोगों से मिलने की। वैसे भी हमेशा सच का हैजा पड़ा रहता है उन्हें। समझ में नहीं आ रही हमेशा उल्टी पुल्टी बातें क्यों आपके माइंड में प्लांट करते रहते हैं वो। निदा, अम्मी क्या मसला है यार? निदा, तुम किसी और को पसंद करती है? हाँ करती हूँ मैं पसंद, आपको पसंद करती हूँ, भाई से प्यार करती हूँ। मैं इस पसंद की बात नहीं कर रही बेटा। मैं किसी को पसंद नहीं करती। एक शख्स को यहाँ ऑलरेडी मोहब्बत करने की जो सजा मिली है वो ये इब्रत के लिए काफी है। मुझे लगता है नौरीन की अम्मी से आपको गीबत करने की प्रैक्टिस ले लेनी चाहिए। नंबर वन आपका पेट भरा रहेगा, और नंबर टू आपका वक्त गुजर जाया करेगा। हेलो पायल। बेटा, दिस इज पायल्स मामा राधा। ओह आंटी, मैं तो मुसलसल ट्राई कर रही थी लेकिन पता नहीं पायल फोन नहीं उठा रही थी। बेटा, तुम्हारे भाई का बहुत बुरा एक्सीडेंट हुआ है। ही इज इन वेरी बैड शेप। आंटी को नहीं पता सर। कब तक पता नहीं चलेगा? बर्दाश्त नहीं कर पाएंगे ये सर। बहरहाल निदा बेटा, तुम जाने की तैयारी करो। कैसे सर, मैं अम्मी को इस हालत में कैसे छोड़ के जा सकती हूँ? तुम्हारी वालदा अकेली नहीं रहेंगी, मैं हूं ना, तुम जाने की तैयारी करो।
सर ये मुमकिन नहीं है, अगर होता भी तो मम्मी कभी इजाजत नहीं देती। इरफान तुम निदा की वीजा एप्लीकेशन फॉरन प्रोसेस करवाओ। जी सर। सर निदा बेटा मैं सब कुछ संभाल लूंगा, वैसे भी जब तक तुम जाओगी सब कुछ बदल चुका होगा। सब कुछ पहले से ही बदल चुका है, और कितना बदलेगा सर। भाई माजूर हो गया, अम्मी बिस्तर से लग गई। आई थिंक सर आप पायल से बात करें। क्या बात करूं उससे यार, वहां से जो मुसलसल खबरें आ रही हैं उनको हम अपना अपना मुकद्दर समझ के कबूल कर रहे हैं। निदा का वहां जाना बहुत जरूरी है यार, लेकिन निदा की बातों से मुझे लगता है कि पायल की माँ अली को इससे दूर रखना चाहती है। अली तो हॉस्पिटल में है सर। लेकिन वहां बहुत देर नहीं रहेगा। क्या मतलब? अरे क्या कॉमन सेंस तुम्हारी घास चलने गई है यार, पायल की मामा नर्स है, जाहिर है उसको ठीक करवा के सीधा रिहैब में ले जाएगी और सारे रबते मुनकता हो जाएगी। मियाँ जो बदला और इंतकाम लेता है ना वो किसी खास मॉरल कोड को फॉलो नहीं करता। मेरा भाई मासूर हो गया, कैसे क्या हो गया हमारे घर को, सब खत्म हो गया सब। निदा बेटा जो कुछ बचा है उसको तो बचा लो। मैं जानता हूं इस सिचुएशन में कोई भी होता उसके आंसू ना रुकते, लेकिन तुमको बहुत बहादुर बनना पड़ेगा बेटा, क्योंकि बस अब तुम ही रह गई हो। इरफान तुम कुछ देर में मेरे पास आना। जी सर। और निदा बेटा तुम जाने की तैयारी करो, मैं तुम्हारी वालदा से सुबह मिल लूंगा। ओके ये बात नहीं है सर, मेरी मंगनी तोड़नी पड़ेगी इरफान, तोड़नी पड़ेगी, अब इसके अलावा कोई और रास्ता रहा ही नहीं सर। बस कोई वक्त नहीं है तुम्हारे पास, सुबह तक तुम्हारे पास टाइम है, क्योंकि मैं सुबह जाकर तुम्हारे रिश्ते की बात करने वाला हूँ उसकी माँ से। अब कोई और रास्ता नहीं रहा यार, अब तो शायद तुम्हारे पास सोचने का टाइम भी नहीं है। लेकिन सर। अरे लेकिन फिर वही लेकिन, अभी तुम्हारे जहन में लेकिन का लफ्ज है सर। मैं अरे भाई इतनी रियलिटीज बदल गई, उसकी वालदा बस्तरे मर्ग पर है, अली माजूर हो चुका है, गैर मुल्क में है, अब ये सारी रियलिटीज मिला के एक और रियलिटी क्रिएट कर रही है, तुम फिर भी लेकिन का लफ्ज इस्तेमाल कर रहे हो। ये बात नहीं है सर, मेरी मंगनी तोड़नी पड़ेगी इरफान, तोड़नी पड़ेगी, अब इसके अलावा कोई और रास्ता रहा ही नहीं। और अगर तुम ये समझते हो कि मैं तुम्हें तीन जिंदगियों को तबाह करके उसका चश्मे दीद गवाह बनने दूंगा तो मैं तुम्हें ये कभी भी नहीं करने दूंगा सर। बस कोई वक्त नहीं है तुम्हारे पास, सुबह तक तुम्हारे पास टाइम है, क्योंकि मैं सुबह जाकर तुम्हारे रिश्ते की बात करने वाला हूँ उसकी माँ से। सुबह तक? हाँ सुबह। प्लीज सर इतनी जल्दी मत करें, मुझे मुझे थोड़ा सा तो सोचने का वक्त है। अरे बाबा इनकार एक लम्हे में होता है, सुबह तक तो बहुत टाइम है तुम्हारे पास। सर प्लीज खुदा के लिए इतनी जल्दी मत करें सर प्लीज, मैं सर इतने सालों का रिश्ता सर प्लीज। तुम इसे कुर्बानी मत समझो, ये तुम्हारा फर्ज है। सर प्लीज एक दो दिन तो देना सर, सर रास्ते का पत्थर हटाने के लिए भी इतना वक्त तो लगता है, ये तो एक रिश्ता है सर। और अगर कल तक मैं ये फैसला करने में नाकाम हुआ सर तो कभी आपके सामने नहीं आऊंगा और ना ही अली के घर जाऊंगा। अरे बाबा इनकार एक लम्हे में होता है, सुबह तक तो बहुत टाइम है तुम्हारे पास। तुम इसे कुर्बानी मत समझो, ये तुम्हारा फर्ज है।
हेलो तानिया, फैसला तुम्हारे हाथ में है तानिया। कैसा फैसला? छुरी मेरे हाथ में हो या आपके, गला तो दोनों सूरतों में मेरा ही कटेगा ना। मुझे गुनाहगार मत करो तानिया, जो कुछ है मैंने तुम्हारे सामने रख दिया, तुम जैसा कहोगी वैसा ही होगा। आपकी मर्जी ना होती ना तो आप मुझसे ये सवाल ही ना करते। ऐसा हरगिज नहीं है तानिया, अगर ऐसा होता तो मैं यहाँ क्यों आता। तुम जानती हो अली से और उसके घरवालों से मेरा क्या रिश्ता है, ये तो हालात मुझे यहाँ तक ले आए। किसके हालात? आपके या उस निदा के? तुम मुझे जानती हो तानिया, मैं हमेशा कोशिश करता हूँ कि जिंदगी अल्लाह की रजा के मुताबिक गुजारूं। अब वो घर किस कर्ब से गुजारा तुम जानती हो? आपको पता है? आपके इस फैसले के बाद एक और घर एक नए इम्तिहान से गुजरेगा, लेकिन आपको इसकी परवाह कहाँ। ठीक है तानिया, मैं माफी चाहता हूँ कि मैं तुमसे ये सवाल किया। ये सवाल मेरे सामने खड़ा था, लेकिन अगर तुमसे ये सवाल ना करता तो इस ताल्लुक से बदयानती होती। जो आपकी मर्जी है आप वो करें। नहीं, अब कुछ नहीं होगा सिवाय इसके कि अब अली के घर कभी नहीं जाऊंगा, वरना वजीउल कुर्बा का हिसाब कौन देगा क्यामत के दिन। पायल, पायल क्या हुआ है भाई के साथ, मुझे बताओ तो सही। वो अपने पैरों पे यहां से चल के गए थे, ऐसे कैसे माजूर हो सकते। यू नो व्हाट, ये सब तुम्हारी वजह से हुआ। हाँ, तुम्हारी वजह से। वो तुम्हारे पीछे गए थे पायल। And I don't understand, तुम्हारी अम्मी कॉल करके हमें इतने कोल्ड लहजे में इतला दे रही है। प्लीज आई बेग यू, एक दफा मुझे सही से बताओ क्या हुआ है मुझे। प्लीज आई जस्ट नीड टू नो। अरे अम्मी मुझे आवाज दे देती। कैसी बातें कर रही है, कोई माजूर नहीं हुआ। चुप हो जाए तो देखे मेरी तरफ देखे, कोई नहीं हुआ माजूर, मैं हूं ना आपके साथ। कैसी बातें कर रही, अब ठीक हो जाएंगे, अब देखता बहुत जल्दी ठीक हो जाएंगी। माजूर नहीं, वो अपने पैरों पे यहां से चल के गए थे, ऐसे कैसे माजूर हो सकते। यू नो व्हाट, ये सब तुम्हारी वजह से हुआ। वो तुम्हारे पीछे गए थे पायल। एंड आई डोंट अंडरस्टैंड, तुम्हारी अम्मी कॉल कर हमें इतने कोल्ड लहजे में इतला दे रही है। क्यों किया आपने अली के घर फोन? ये तुम्हारा ड्रामा खत्म होगा कि नहीं? क्या मजाक उड़ा रही हैं आप उनकी बर्बादी का, या मजा आ रहा है अली की माजूरी देख के? Actually speaking, थोड़ा थोड़ा मजा आ रहा है। मुझे खुशी हो रही देख के जो आदमी मेरा घर बर्बाद करने आया था वो खुद बर्बाद हो गया है। तो आपको लगता है आपका घर बच गया? आपका घर तो उस घर से पहले बर्बाद हो गया था, फर्क सिर्फ इतना है कि आपको नजर नहीं आ रहा। Just shut up, पायल। मुझे मजबूर मत करो कि मैं वो काम पूरा करूं जो राहुल अधूरा छोड़ गया है। आपने बहुत कोशिश की अली के घर फोन करके, अली का बताया और अली को उसकी माँ का बता के, कोशिश तो कर चुकी है ना आप। राहुल बिल्कुल ठीक कहता है, इस आदमी ने तुम्हें पागल कर दिया है। जो कुछ भी हो रहा है ना मामा, उसका हिसाब तो देना होगा। वक्त अपनी बैलेंस शीट आउट नहीं करता, जस्ट रिमेम्बर दैट। और हाँ, अली के घर आपने बिल्कुल गलत बताया, He is not disabled at all.
क्योंकि मैं उसकी टांगी बनूंगी। उस शख्स ने ना मेरी बेटी को मुझसे छीन लिया। आई थिंक यू आर नॉट हैंडलिंग वेल। नो पारो, आई एम टेलिंग यू, थिंग्स आर आउट ऑफ हैंड। आई नो, बट तुम्हें लगता है पायल ऐसा होने देगी? बस मुझे और कुछ नहीं पता, ये जरूर पता है वो आदमी यहाँ रहेगा ना तो मेरी बेटी मेरे से चली जाएगी। क्यों नहीं समझती हो? ऑल ऑड्स आर अगेंस्ट यू। पहले वो डेथ बेड पर था, फिर अब उसे होश आया तो वो अपनी टांगे खो चुका है, उसकी माँ डेथ बेड पर है। ही हैज ऑल द सिंपैथीज डार्लिंग। क्या करूँ, मेरी समझ में कुछ नहीं आ रहा ना। क्या मतलब क्या, तुमको समझ नहीं आ रहा? मुझे अपनी बेटी बस वापस चाहिए। अभी तो ये भी नहीं पता कि उसने रिलीजन तो नहीं चेंज करवा दिया उसका। कम ऑन राधा, क्या हो गया है तुम्हें? ठंडे दिमाग से सोचो थोड़ा सा तो। क्या मतलब? मतलब ये कि तुम्हें अब शतरंज की चाल खेलनी पड़ेगी। कैसे? राहुल कहाँ है? क्यों, उसी की वजह से तो ये सब कुछ हुआ। तो उसी को करने दो ना उसका अनफिनिश्ड काम पूरा। मैं कुछ समझी नहीं। एक काम करो, मुझे राहुल से मिला दो, बाकी सब काम मुझ पे छोड़ दो। मुझे ही उसका नंबर दो, मैं ही उसको फोन मिलाती हूँ। Are you sure? Yes, I'm 100% sure. ये लो। Give me. अली, हमने तुम्हारे घर बता दिया। मुझे अंदाजा था उनकी आंखों में अपने लिए इंतकाम नजर आता है मुझे। अब क्या करोगे? पता नहीं, मोहब्बत के अलावा कुछ सोचा ही नहीं। वो तो मेरी मॉम कभी नहीं होने देंगी। सब कुछ हो चुका है पायल, उसके बाद कम से कम मैं तो नतायज से बेखौफ हो गया हूँ। अली, तुम्हारी अम्मी तुम्हें पहले रिजेक्ट कर चुकी है, वो हिंदू लड़की को कैसे एक्सेप्ट करेंगी? क्यों किया तुमने? पाकिस्तान बात करवा दो मेरी। तुम्हारी अम्मी बात नहीं करना चाहती। निदा से बात करवा दो। निदा का ख्याल है कि सब चीजों की जिम्मेदार मैं हूं, जो कि गलत नहीं है। निदा से बात करवा दो। हेलो हेलो निधा। अली भाई आप ठीक तो है ना? मैं ठीक हूँ निधा, अम्मी कैसी हैं? नहीं, आप ठीक नहीं है, मैं जानती हूँ आप ठीक नहीं है। बताए क्या हुआ है? कुछ नहीं हुआ निधा, अम्मी का बताओ, अम्मी को क्या हुआ है? कैसी है अम्मी? बेहतर है, लाइट सही था फॉलेज। मुझसे कुछ बात हो नहीं रही हो, मुझे सच बताओ। छुपाने को रहे क्या क्या? हाँ, आपके साथ वहां जो कुछ भी हो रहा है उसका हमें कुछ नहीं पता। कौन कर रहा है, क्यों कर रहा है? सब ठीक हो जाएगा निता। ठीक हो जाएगा? ठीक होने को रहे क्या क्या? किस चीज के ठीक होने की बात कर रहे हैं आप? निधा, अम्मी बात करेंगी मुझसे? नहीं, शायद कभी भी नहीं। अली भाई, तुम ठीक हो निधा? ठीक, मैं ठीक हूं। कैसी बातें करते हैं अली भाई, मुझे माफ कर देना।
बस आप खुद को बचा के रखें, जो कुछ बच गया है वो तो बचा रहे। क्या अभी वाकई मुझसे कभी बात नहीं करेंगी? अच्छा इस वक्त आप इन बातों को छोड़ें, आप मुझे बताएं आप कब डिस्चार्ज हो रहे हैं, कब वापस आ रहे हैं घर? जो होना था हो गया, सब खैर है, मैं ठीक हूं, आएं मेरे साथ। उसकी वजह से ही तो हुआ ये सब। आप प्लीज प्लीज उसकी अम्मी से बच के रहिएगा, नफरत करती है आपसे, कहीं कहीं आपको नुकसान ना पहुंचाए। ठीक है निधा, बाद में बात होगी, अपना ख्याल रखना। और हाँ, अगर अम्मी मान जाए तो मेरा सलाम दे देना, बाद में बात होगी। ठीक है अली भाई, अपना ख्याल रखें। राहुल ने तुम्हें मरवाने की कोशिश की थी किसी को पैसे देकर। राहुल ने? और मॉम भी बहुत खुश हैं कि तुम डिसेबल हो गए हो। She wants you out of this country as soon as possible. तुम ये सब मुझे क्यों बता रही हो? सच बोलना चाहती हूँ तुमसे। हमने तो सच ही बोला एक दूसरे से हमेशा। ये वक्त का दूसरा रुख है अली, पता नहीं तुम्हारे साथ आगे क्या कुछ हो। मैं बस हैरत कम कर रही हूँ। तुम्हारे पास तो अब जवाब भी आ गया है मेरी मोहब्बत को ठुकराने का। मसूर जो हो गया हूं मैं। अली प्लीज कैन यू स्टॉप ऑल दिस? मैं देखती हूँ। ये सब बातें तुम मुझसे क्यों कर रही हो? देखो राहुल, मैं किसी पुलिस के एजेंट नहीं हूँ, मैं एक दोस्तों की तरह तुमसे बात करना चाहती हूँ। तुमने अली के साथ जो किया वो सब कुछ बैकफायर हो चुका है और सारी पायल की हमदर्दियाँ उसके साथ हो चुकी हैं। एंड आई थिंक सो यू हैव ऑलमोस्ट लॉस्ट हर। कैसे हो? मेरे को यहाँ बुलाने का मकसद? कॉफी? सीधी बात करें, हम दोनों का टाइम बच जाएगा। मैंने तुम्हें तुम्हारे लिए बुलाया। What do you mean? राहुल, तुम पायल से प्यार करते हो और इसीलिए तुमने अली को मनवाया? ये सब बातें तुम मुझसे क्यों कर रही हो? देखो राहुल, मैं किसी पुलिस के एजेंट नहीं हूँ, मैं एक दोस्तों की तरह तुमसे बात करना चाहती हूँ। तुमने अली के साथ जो किया वो सब कुछ बैकफायर हो चुका है और सारी पायल की हमदर्दियाँ उसके साथ हो चुकी हैं। एंड आई थिंक सो यू हैव ऑलमोस्ट लॉस्ट हर। What do you want? मुझे कुछ नहीं चाहिए। आई थिंक सो इट्स यू हु वांट्स पायल। बहन जी, आजकल की बच्चियां, मैं निदा के लिए इरफान का रिश्ता लेकर आया हूँ। क्या? मैं सिर्फ आपसे माजरत करने आया था सर। माजरत? माजरत किस बात की बेटा? सर मैं निदा से शादी नहीं कर सकूंगा।
ये सब तुम्हारा किया करा है, you have to sort it. वरना वो जो एविडेंस पड़ा है ना, वो मैं अपने हाथों से पुलिस के पास लेके जाऊंगी. ना वो तेरा भाई ना ही मेरा बेटा. मैं मर भी जाऊं तो मेरी खबर पे मत आए वो. She's after you. क्यों? तुमने उनकी बेटी जो छीन ली.